व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। फर्स्ट लव जो पार्ट हमने देखा था आरजी बकेट लिस्ट चैनल पे, उसका सेकंड पार्ट का ट्रेलर आ चुका है और काफी टाइम से वेट हो रहा है कि फर्स्ट लव का सेकंड पार्ट कब आएगा। जब देखा था तो वो हाईवे पे लड़की देखी थी, बस उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो आज ट्रेलर देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। और मैच्योर पे भी हम जल्दी रिएक्ट करेंगे आरजी बकेट लिस्ट चैनल से वीडियो पे। तो आप लोग बताना कैसा लगा आपको, 1 2 3 एंड लेट्स गो। बहन जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अरे अरे शांता जी, दीदी जरा मोमबत्ती जला के लाना, लाइट चली गई है। हाँ दीदी, ला रही हूँ। अब जी माफ कीजिएगा, हाल ही में इन्वर्टर खराब हो गया है। जी कोई बात नहीं बहन जी। बहन जी, जी आप आगे बोलिए। बहन जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस साल आपका बेटा भी बोर्ड्स का एग्जाम देने वाला है ना? जी इसी साल देने वाला है वो। तो फिर आप भी बताइए बहन जी, एक स्कूल जाने वाले बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ से आया? 4,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती बहन जी। 2015 की बात है। खास करे करे बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, बच्चे के लिए। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। सपना था। औकात के बाहर है लेकिन लड़की क्यूट तो है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ मानना तो पड़ेगा, पड़ेगा। होने वाली बहू जो है मेरी है ना, सामने दर्शन। और भाभी मिली कि नहीं आज? ये उसमें भी ग्लिम्स था। ये अबे काय की भाभी, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मेरे जैसा कोई एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में। अब क्या हो गया यार, वो लड़की काफी टाइम से उस रास्ते से आई नहीं है। तू पीछा कर रहा है उसका? अबे नहीं यार, मैं सुबह 7 बजे जाके खड़ा हो जाता हूँ उस रास्ते पे और वो वैन करीब उसी टाइम के आसपास मुझे क्रॉस करती है, पर पिछले 1 महीने से वो वैन उस रास्ते से आई ही नहीं है। मुझे लगा बड़ा हो गया मुझे मुझे। वैसे ओमनी वैन में बच्चे बहुत किडनैप हो रहे हैं आजकल। बच्ची नहीं है वो। हाँ मतलब वही भाभी। भाभी भी नहीं है वो। हाँ तो बंदी। बंदी भी नहीं है। बंदी मत बोल यार। हाँ तो लगते तू ही बता इस प्यार को क्या नाम दूँ। मुझे नहीं पता यार। एक तरफा प्यार। ये लड़की तो कई तरह से। चुप कर। डेट मत पूछना है, मुझे खुद भी नहीं पता। व्हाट्स अप, थोड़ा सा लाइफ अपडेट दे देता हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से गायब था, सो आई गेस यू गाइस डिजर्व टू नो एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ या मर गया। एनीवेज, आई नो फर्स्ट लव पार्ट 2 को 1 साल से ज्यादा हो गया है एंड तुम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हो एंड या दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट फॉर मी एज वेल। तो आई स्टार्टेड ओवर वर्किंग ताकि मैं डेडलाइंस को मीट कर पाऊँ एंड उसकी वजह से आई गॉट सिक, या बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मेरा मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गया था जिसकी वजह से आई हैड टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक एंड इसी ब्रेक के दौरान आई वेंट टू मीट कीर्ति इन कोलकाता। मास्क लगा, मास्क लगा, मास्क लगा। पहचान छुपाते हैं। भाई यार मत करना। इधर आना। ओ इमोजी इसको नहीं लाया। गर्दन को। फिर वहाँ से स्वास्थी को मिला मुंबई में एंड देन वी ट्रेवल टू दिल्ली, जिसका व्लॉग भी तुम लोग को मिल जाएगा आफ्टर पार्ट 2 एंड पार्ट 2 आई गेस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट आ जाएगा जल्दी, ठीक है। एंड उससे पहले भी एक और वीडियो आ सकता है, सो कीप एन आई आउट फॉर दैट वन। सो या तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा तो मतलब ये पता लगा है। अच्छा लास्ट में एक और चीज भी थी लेकिन अगर बात करी जाए तो देखो फर्स्ट लव अमेजिंग, इन जो एनिमेशन है मजा आता है लेकिन प्लस जो एक आवाज है ना थोड़ी हल्की सी मैच्योर, जो बंदे की आवाज है लेकिन एज ज्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल टीनेज उसमें नहीं लगा जैसे 18-19। और क्योंकि 2015 की स्टोरी है, उस टाइम बोर्ड के एग्जाम थे, तो अब एज अगर हम गेस करें तो क्या होगी,
लगभग मतलब मुझे इस वीडियो में जो लास्ट 22-23 के आसपास है, 22-23 मतलब टीनेज नहीं 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 21-22 तो होगी। 2015 में अगर बोर्ड्स के एग्जाम है तो उस टाइम पे लगभग 16 की एज होगी, 16 में अगर 7 भी हम जोड़ते हैं तो लगभग 23-22 एज होगी। और अब उस लड़की को पता नहीं है कि भाई आता है वहां पर और वेट करता है और फिर भी एक ये तो है उस टाइम पे 4000 बहुत ज्यादा थे। अब वो सपना था या फिर कोई अंकल आके कंप्लेन करने वाला है इस वीडियो के अंदर, ये देखते कोई अंकल ही था जैसे बहन जी बात करते, पकड़ा गया होगा भाई चैट करते हैं किसी के साथ, गिफ्ट वगैरह कुछ दिया होगा, बोला ना 4000 इस एज में आप बताइए। और जिस तरीके से मम्मी का कैरेक्टर दिखा रहे एकदम से बेलन लेके खड़ी है वहां पर। और ये ऐसी स्टोरी हर एक की लाइफ में रही है कि मतलब कोई किसी से स्कूल में अट्रैक्शन होता है, क्रश होता है, कभी बोल नहीं पाता बंदा, तो मजा आएगा वाले पार्ट देखने में कि भाई उससे बोल पाता है नहीं। और क्या ओमनी वैन में लड़की किडनैप हुई है, वो कह रहा उसको तो इस प्यार को क्या नाम दो, भाभी भी नहीं है इस प्यार को नाम दो, एक तरफ प्यार ईगरली एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। और सच में क्या बोलते हैं एनिमेशन हर एक चीज़ और परफेक्ट वीडियो लाने के लिए तो टाइम लग जाता है और मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई बार, तो ब्रेक लिया बहुत अच्छी बात है। और भाई कह रहा है कि एक वीडियो भी आ सकती है उससे पहले, तो क्या पता फर्स्ट लव पार्ट 2 आने से पहले एक वीडियो और मिल जाए, तो देखते हैं क्या कुछ फर्स्ट लव पार्ट 2 में क्या फर्स्ट लव ही सच्चा प्यार बन जाएगा या फिर क्या वो अभी तक है। लेकिन वो वैन भी नहीं आई वहाँ पर, तो क्या पता दर्शन ही ना हो कभी, लेकिन भाई एफर्ट्स नहीं छोड़ने वाला है। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।